नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। पंचायत सीटों के आरक्षण के लिए सूची निदेशालय भेजी, जानिए ग्राम प्रधान इलेक्शन के तैयारियों का अपडेट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तैयारियां तेज होती जा रही है, लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार है। इस समय अधिकांश जिलों में प्रशासनिक स्तर पर आरक्षण सूची का काम चल रहा है। लखीमपुर में क्षेत्र पंचायत की सीटों पर आरक्षण निर्धारित करने के लिए पंचायती राज विभाग ने पिछले 5 वर्षों में आरक्षित सीटों की सूची निदेशालय भेज दी है। अब ग्राम पंचायतों की सीटों के आरक्षण के लिए पिछले 5 वर्षों में हुए पंचायत चुनाव में आरक्षण की सूची तैयार कराई जा रही है। अब शिक्षा मंत्री और अनिदेशकों को समय से मिलेगा मानदेय। अब बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी या सेवा प्रदाता कर्मियों का भुगतान समय से होगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद लगभग 2 लाख कर्मियों को न सिर्फ समय से मानदेय मिलेगा बल्कि उन्हें विभागीय कार्यालयों के शोषण से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तक राज्य स्तर से मानदेय का बजट तो समय से भेज दिया जा रहा है, लेकिन जिलों में 2-2 महीने तक मानदेय लटका रहता है। यूपी में बिजली की बिलिंग में गड़बड़ियों की जांच, एसटीएफ को ऊर्जा मंत्री ने लिखा योगी को पत्र। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश मेन बिजली बिल में गड़बड़ियों की शिकायत को सरकार ने गंभीरता से लिया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सीएम को पत्र लिखकर बिलिंग में हुई अनियमितताओं की जांच एसटीएफ से करवाने का अनुरोध किया है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिलिंग एजेंसियों को किए गए भुगतान की भी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता बिल देना चाहता है लेकिन उसे समय पर सही बिल मिले तभी यह संभव होगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अभिलेखागार रिकॉर्डिंग फेसबुक पर लाई। खबर है लखनऊ से। हमारे देखते देखते कितना कुछ विलुप्त हुआ है, पर वक्त के साथ चीजें बदलती ही है, इसमें कोई हर्ज नहीं। नौटंकी और लोक परंपराएं इतनी मुक्त होती है कि उसमें हम कहीं से कुछ अपना सकते हैं। कुछ खो रहा है तो कुछ जुड़ भी रहा है। इन विधाओं में नौटंकी की विधाओं के परंपरागत कलाकारों और आधुनिक रंगमंच के जानकार अगर अकादमिक तौर पर किसी संस्थान के माध्यम से नौटंकी की ट्रेनिंग दे तो इस तरह हम इस विधा में बहुत कुछ संरक्षित करने के साथ बहुत कुछ नया भी हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही उद्गार नौटंकी से जुड़े प्रयोगशील रंग निदेशक आत्मजीत सिंह ने यहाँ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमिक सभागार गौतमी नगर में आज दोपहर अभिलेखागार रिकॉर्डिंग कराते हुए व्यक्त किए। यहाँ वर्तमान प्रसिद्ध और नौटंकी विषय पर उनका साक्षात्कार प्रख्यात लेखक विजय पंडित ने कर रहे थे। अनुसूचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा के लिए सरकार की बड़ी योजना। खबर है अयोध्या से। उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग के लोग को अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने योजना के तहत कार्य कर रही है। वहीं प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्राओं को भी देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कराए जाने योजना बनाई है। अयोध्या पहुँचे उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री श्री राम चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगरी पहुंचे प्रदेश के उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभारी श्री राम चौहान ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार का निर्णय लिया है कि अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए धनराशि बढ़ाई गई, धनराशि 5 गुना बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण कक्षा 10 के बाद आगे की पढ़ाई अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्रा नहीं कर पाते, अब उच्च शिक्षा के लिए धनराशि बाध्य नहीं बनेगी। मुजफ्फरनगर की डीएम ने बनवाया ऐसा सॉफ्टवेयर, 24 घंटे करेगा भू माफियों की निगरानी। खबर है मुजफ्फरनगर से। वेस्ट यूपी के जिले मुजफ्फरनगर के डीएम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया है जो भू माफियों की कमर तोड़ देगा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए खाली पड़ी सरकारी भूमि और आम लोगों की जमीनों की जियो टैगिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, तालाब शत्रु संपत्ति और परिसंपत्तियों का भी पूरा ब्यौरा इस सॉफ्टवेयर में दर्ज होगा। इसके बाद भू माफिया ऐसी जमीनों की खरीद फरोख्त करना तो दूर, इन जमीनों की तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। धरा नाम के इस सॉफ्टवेयर को मुजफ्फरनगर डीएम सेल्वा कुमारी जयराजन मकर संक्रांति पर आधिकारिक रूप से लॉन्च करेगी। इसके बाद तेजी से इस सॉफ्टवेयर पर जमीनों का ब्यौरा अपलोड किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस से भी बुक होगी ट्रेन और फ्लाइट टिकट, इन डाकघरों में शुरू हुई व्यवस्था। खबर है कानपुर से। रेल और हवाई यात्रा करने वाले यात्री अब डाकघर के माध्यम से भी टिकट करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में यह व्यवस्था शुरू की गई। शहर के डाकघरों में हवाई और रेल यात्रा के लिए टिकट सहित कई सेवाओं का लाभ देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही ग्राहकों की सुविधा का भी ख्याल रखा जा रहा है। डाकघर अधीक्षक RS शर्मा ने नई व्यवस्था पर कहा कि कानपुर देहात और उन्नाव के 15 पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। इन सभी सेंटर में DTH रिचार्ज, बिजली, पानी और गैस इत्यादि के बिल के साथ साथ फास्टैग, पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए भी लोग आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए भी लोग आवेदन कर सकेंगे।
अब है खुशखबरी, खबर है लखनऊ से। लखनऊ पहुंची कोरोना वैक्सीन, कई सुरक्षा में स्टेट वेयर हाउस भेजा गया। पुणे से 704 लीटर वैक्सीन लाई गई है। यूपी में कुल 18 वैक्सीन स्टोर बनाए गए जहां पर इस वैक्सीन को रखने की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कोरोना की वैक्सीन रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुणे से सीधे लखनऊ विशेष विमान से 4 बजे लाई गई वैक्सीन, पहले से ही अमौसी एयरपोर्ट पर वैक्सीन को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। एयरपोर्ट पर वैक्सीन को विशेष वाहनों में किया गया लोड। लखनऊ से प्रदेश के सभी मंडलों में भेजी जाएगी यह वैक्सीन। मंडलों से जिला कोविन सेंटर पर इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। वेस्ट में शीत लहरों का कहर, अगले 3 दिन तक मौसम का पूर्ण अनुमान जारी। मेरठ वेस्ट में चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया। मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम का हाल ऐसा है कि यहां हार कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हालात यह है कि वेस्ट के जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गाजियाबाद तक में मंगलवार को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इन बर्फीली हवा ने जिंदगी की चाल पर ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक कड़ाके की सर्दी पड़ने की बात कही है। ठंडी शीतलहर के आगे लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। 1 जनवरी से वेस्ट में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का दावा, वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई संदेह नहीं। खबर है नई दिल्ली से। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दोनों वैक्सीनों की स्वीकृति और समर्थन दिया, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक सवाल पर वैक्सीन लगवाने वाले को कोवैक्सीन या कोविशील्ड में कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, इस पर उनका जवाब था कि इसका निर्णय वे खुद कर सकेंगे। राजेश भूषण ने कहा कि कई देशों में एक से अधिक वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन देशों में ऐसा है वहां वैक्सीन लगवाने वालों को ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब NPS में ऑनलाइन भी कर सकते हैं एग्जिट, नहीं पड़ेगी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत। खबर नई दिल्ली से। कोरोना काल के दौरान PFRDA लगातार नेशनल पेंशन सिस्टम में तरह तरह के बदलाव कर रहे हैं। पहले जहां OTP के जरिए घर बैठे अकाउंट खोलने की सुविधा दी गई, वहीं अब इसमें कुछ नया फैसिलिटीज को भी जोड़ा गया। अभी तक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से केवल ऑफलाइन मोड पर NPS स्कीम्स के एग्जिस्ट करने की सुविधा थी, लेकिन नए बदलाव से अब पेंशनर्स घर बैठे ऑनलाइन एग्जिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बार बार NPS सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोहली तथा रहाणे फिसले, पुजारा को हुआ 2 स्थान का फायदा। ICC की टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा तरीन रैंकिंग में भारत के नियमित कप्तान विराट कोहली और कार्यकारी कप्तान अजिंक्य रहाणे को जहां नुकसान हुआ, वहीं सिडनी टेस्ट में जुझारू पारियां खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा को फायदा हुआ। एडिलेड टेस्ट के बाद मेलबर्न और सिडनी में नदारत रहने वाले कोहली 1 स्थान नीचे खिसकते हुए 3रे क्रम पर पहुंच गए हैं। रहाणे को भी 1 स्थान का नुकसान हुआ, वहां 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। दूसरी ओर पुजारा को 2 स्थान का फायदा हुआ और वह 8वें स्थान पर पहुंच गए। पुजारा ने सिडनी में 50 और 77 रनों की पारी खेली थी। रहाणे ने मेलबर्न टेस्ट में शतक जमाने के बाद सिडनी में 22 और 4 रन बनाए। कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश में है। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया है। राष्ट्रपति जिनपिंग की नापाक चाल, कहा दुनिया में कोरोना से उथल पुथल का दौर, मौके का फायदा उठाए बीजिंग। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और इससे अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पूरी दुनिया में उथल पुथल का दौर है, ऐसे में चीन एक साजिश के तहत इसका फायदा उठाने की नापाक चाल चल रही है। चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना के कारण अभूतपूर्व उथल पुथल मची है, यह हमारे लिए पूरी तरह अनुकूल है, लिहाजा हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जिनपिंग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सामने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए ये बात कही है। जिनपिंग अगले 3 वर्ष में पूरी तरह से चीन को बदलने की दिशा में काम करने में जुटा है। CGI बोले किसानों से मिलने के लिए PM से नहीं कह सकते। खबर है नई दिल्ली से। केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानून पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जो समिति बनाई है उसमें किसान नेता और कृषि विशेष शामिल है। 1.5 महीने से जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 3 कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी और मसले के समाधान के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की। CGISA बाबर ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को यह नहीं कह सकते कि वे किसानों से मिलने जाएं।
बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और एचएस पन्ने कोरोना पॉजिटिव पाए। थाईलैंड ओपन से हटे, 10 दिन तक अस्पताल में क्वारंटाइन। खबर है नई दिल्ली से। भारत के अग्रणी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पुरुष खिलाड़ी एचएस पन्ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस कारण इन दोनों ने मंगलवार से यहां शुरू थाईलैंड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। भारतीय बैडमिंटन संघ ने भी इसकी पुष्टि कर दी। BAI ने ट्वीट करके कहा कि साइना और पन्ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।